हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और अब मैं आपके साथ में कुछ शेयर करूंगी। तो आज मैं बनाऊंगी मोमोज। तो मोमोज की रेसिपी फुल में विथ चटनी आपके साथ में शेयर करूंगी। तो अब मैं चलती हूँ किचन के अंदर। तो चलिए पहले अपन चलते हैं डायरेक्टली किचन में ही, क्योंकि आज मुझे मोमोज ही मतलब बनाने हैं। मैं और कुछ और शेयर नहीं करूंगी, सिर्फ मोमोज की रेसिपी ही शेयर करूंगी। तो अब हम किचन में आ चुके हैं, तो चलो अपन करते हैं मोमोज की तैयारी। तो क्या है ना, मैंने अपनी थोड़ी सी तैयारी कर ली थी। तो ये रेड मिर्ची है, इनको मैंने पानी में भिगो के रख दिया था 3-4 घंटे के लिए। तो इससे क्या ना इनका कलर अच्छा आता है। और भी मैं दिखाती हूँ आपको। और ये मैंने मोमोज की स्प्रिटिंग के लिए मतलब मसाले के लिए जो अपन मोमोज में भरेंगे ना, उसके लिए मैंने इसमें अदरक मतलब ग्रेट कर लिया है। ये अदरक है और ये साइड में लहसुन रखा है और इधर मैंने पत्ता गोभी कर लिया है। वैसे हमारे यहाँ गाजर भी रखी की है ना, बच्चों को गाजर पसंद नहीं है खाना, इसलिए हम इसमें गाजर नहीं डालेंगे। और तो इसमें हम सिर्फ मतलब यही चीजें डालेंगे। तो पहले अपन अब इनको मिर्चियों को उबलने के लिए रखते हैं। अब यहाँ अपन मिर्ची को और टमाटर को, इसमें मैंने 2 टमाटर कट कर लिए हैं, ये लहसुन है। तो अब इनको अपन इसमें उबलने के लिए रखेंगे। ये मिर्ची डाल देंगे, टमाटर डाल देंगे इसमें। कट करके मैंने टमाटर इसलिए रखे क्योंकि इसी पानी में उबालेंगे और जल्दी भी हो जाएगी और ये थोड़ा सरल भी पड़ जाता है। और इसी में हम डाल देंगे ये लहसुन, जो कि पूरा एक वो होता है, मैंने उसको छील लिया है। और इसी में ये लहसुन डाल के, और अब इसमें कर देंगे थोड़ा सा नमक ऐड। तो ये हो जाएगा इसमें नमक ऐड। तो मैं आपके साथ में मोमोज और मोमोज की चटनी दोनों ही चीजें शेयर कर रही हूँ। तो और ये इसको रख लेंगे गैस पे और इसमें ये ही पानी डाल देंगे। तो इसी में ये बॉईल हो जाएंगी मिर्ची और टमाटर। चालो, और जब तक ये बॉईल होगी तो तब तक है ना मैदा भी लगा लेंगे, क्योंकि मैदा भी लगानी है। तो मैदा को लगाते हैं। अभी तो हमें इसके लिए जो भरने के लिए स्प्रिटिंग मतलब जो भरने के लिए मसाला अपन बनाएंगे उसको भी रेडी करते हैं। तो पहले मैदा लगा के रख लेते हैं और अब हम करते हैं मैदा लगाना स्टार्ट। इसमें क्या ना बिल्कुल हल्का, देखिए बिल्कुल चुटकी भर नमक डाल देंगे, बस ज्यादा नहीं डालेंगे, इसमें हल्का सा ही डालेंगे। और अब मैदा लगाते हैं। और मैदा अपन मतलब ज्यादा मतलब सॉफ्ट नहीं लगाएंगे, थोड़ी टाइट ही लगाएंगे। मैदा मैंने गूंथ ली है और अब इस पे थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे इसके चारों तरफ, इसको अच्छे से, और मसल लेंगे इसको अच्छे से। और आप रख देंगे इसको सेट होने के लिए थोड़ी देर के लिए। इधर ये बॉईल हो चुके हैं टमाटर और मिर्ची, देखिए आपको दिख रहा होगा। इनको अपन निकाल देंगे आप दूसरे बर्तन में, जिससे कि ये ठंडे हो जाएंगे। और तब इनको अपन मिक्सर में करेंगे ग्रेट। और ये जब तक वो ठंडे होते हैं टमाटर और मिर्ची, तब तक अपन कर लेते हैं स्टफिंग की तैयारी। तो इसके लिए हम इसमें मस्टर्ड ऑयल ही डालेंगे, यानी कि सरसों का तेल, थोड़ा सा, जरा सा, ज्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ा जरा डालेंगे। और बस इसमें थोड़ी हींग भी डाल देंगे टेस्ट के लिए। इसको रख देंगे साइड। और वाकई में मतलब ये तरीका सरल भी है मोमोज बनाने का, और चटनी का भी मैं आपके साथ में बिल्कुल सरल ही तरीका शेयर कर रही हूँ। इसमें थोड़ी सी डाल देंगे हींग, जीरा नहीं डालेंगे। और अब इसमें डाल देंगे ये अदरक का पेस्ट और लहसुन, इनको है ना ज्यादा नहीं भूनना है, थोड़ा ही भूनना है, हल्का कच्चापन निकालेंगे जिससे कि है ना इसका टेस्ट अच्छा आएगा। इसमें डाल देंगे ये
जो पत्ता गोभी है ना वो मैंने इसमें ग्रेट करके रख लिया था, इसको भी ग्रेट इसको चला लेंगे हल्के हाथों से। अब इसमें अपन डाल देंगे थोड़ी सी मसाले, जैसे कि ये है धनिया पाउडर, धनिया पाउडर डाल देंगे। थोड़ा हल्दी पाउडर डालेंगे, और नमक भी ऐड कर देंगे अभी इसमें स्वाद के अनुसार, क्योंकि हल्का नमक मैदा में भी डाला है, इतना नमक इसमें चला जाएगा, थोड़ा और डाल दें। और इसमें थोड़ा सा डालेंगे गरम मसाला, और अभी मैंने इसमें मिर्ची नहीं डाली है, मिर्ची भी डालेंगे, रेड मिर्ची पाउडर थोड़ा ही डालेंगे, बिल्कुल जरा सा, क्योंकि इसकी जो चटनी बनेगी ना वो ही तीखी रहेगी, बिल्कुल जरा सी डालेंगे, क्योंकि इसमें ज्यादा वैसे मिर्ची की स्टफिंग में जरूरत नहीं पड़ती है, थोड़ी सी डाल दीजिए बिल्कुल। और इसका और अच्छा स्वाद बनाने के लिए, इससे टेस्ट इसका बहुत अच्छा आएगा, इसमें डाल देंगे मैगी मसाला, इसमें मैगी मसाला भी ऐड कर देंगे, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है मैगी मसाले का। तो अब ये हो गई हमारी स्टफिंग तैयार भरने के लिए, इसको ज्यादा नहीं पकाएंगे, बस थोड़ा थोड़ा इसको पकाना है। इससे क्या ना, जो भी अपन ने मसाले वगैरह डाले हैं ना वो थोड़े इसमें भुन जाएंगे हल्के, तो इसका कच्चापन मसाले का भी निकल जाएगा। और ये हो गई है तैयार, अब इसको दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। अभी अब अपन सेम इसी कढ़ाई में थोड़ा इनको हल्का मतलब ऑयल में फ्राई कर लेंगे, गैस चालू कर दें, थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। इससे क्या होता है, जैसे कि मतलब चटनी अपनी बच जाती है, तो जैसे दो एक दिन रखी रहेगी ना तो ये खराब नहीं होती है, और इसमें हम ये सारी चीजें डाल देंगे। थोड़ा थोड़ा इनको भून लेंगे, और इसमें है ना अच्छा कलर लाने के लिए थोड़ा सा इसमें डाल देंगे सोया सॉस, ये देखिए इतना इसमें सोया सॉस डाल देंगे, जिससे कि इसका कलर अच्छा आएगा। अब इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे, एक इसी में निकाल लेते हैं, तो इसको क्या है ना अपन इससे पकड़ेंगे, और मैंने इसका पानी फेंका नहीं है बिल्कुल भी, थोड़ा बहुत पानी जो भी इसमें बचा था मैंने इसी में डाल दिया है, और अब ये हो जाएगा ठंडा, फिर इसको अपन मिक्सर में पीस। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक चटनी में, तो ये अपनी चटनी बनके हो गई है रेडी। और अब अपन इसको इस बाउल में निकाल लेंगे एक में, और आप लोग देखिए कितना अच्छा कलर आया इसका, एकदम से डार्क। और मोमोज हम बनाएंगे इडली वाले कुकर में, इसमें अपन रख देंगे पानी, और पानी ले लें थोड़ा, और जब तक इसमें भाप बन के रेडी होगी तब तक बना लेंगे पूड़ियां मोमोज के लिए। जरूरी नहीं है अगर अपने पास स्टीमर नहीं है स्टीम करने के लिए, तो अपन ऐसे भी बना सकते हैं, कढ़ाई में भी बना सकते हैं, तो इसमें वो मतलब भाप अभी रेडी होगी, तब तक अब अपन करते हैं इसके मोमोस के पूड़ियां बेल लेंगे छोटी छोटी, वही इसमें थोड़ा सा मैदा ले लेंगे,
क्योंकि आज बच्चों का बहुत ज्यादा मन मोमोज खाने का, मैंने कहा चलो आज मोमोज ही बनाते हैं। और इनको अपन छोटी छोटी लोइयां पूड़ियां मतलब बेल लेंगे। तो इतनी बड़ी अपन लोई लेंगे, ये लोइयों को इस तरीके से और इनको क्या है ना ज्यादा मोटा भी नहीं बेलना है और एकदम पतला भी नहीं। ऐसी पूरी बेलनी है इसकी। तो इधर हम एक साथ पूरियां बेल लेंगे। और इसमें भी पानी बॉईल हो चुका है और वो भापी इसमें रेडी हो गई है, थोड़ी गैस स्लो करेंगे। अब अपन इसमें स्टफिंग भरेंगे, ये देखिए इस तरीके से, और इनको इस तरीके से पकड़ेंगे ऐसे। ये जैसे कि मोदक होता है ना, वो ही आकार आ रहा है, वैसे अपन इसमें रख लेंगे। सारी पूड़ियों पे इसी प्रकार बना लेंगे। दो तीन तरह के बनते हैं मोमोज, शेप मतलब टेस्ट तो वही रहता है। इसको ऐसे करके अंगूठा बीच में फंसा के वो आराम से इनको इस तरीके से, और इनको अब ऐसे करके ऐसे कर देंगे। क्या है ना थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे, हाथ पे इसलिए ले रहे क्योंकि इस पे मेरे पास ग्रीस करने के लिए ब्रश नहीं है, तो मैं हाथ का ही उपयोग कर रही हूँ। इस पे ऐसे लगा के ऑयल, अब इस पे रख देंगे अपन मोमोज, जिससे कि इस पे ये चिपकेंगे नहीं। इसमें भी आराम से 8-10 मोमोज बन जाते हैं। अब इसमें रख देंगे इसको। इसमें क्या है ना थोड़ी सावधानी की जरूरत रहती है क्योंकि जलने का डर रहता है। और इसको आप कर देंगे पैक। देखिए ये मोमोज इसमें देखिए स्टीम हो चुके हैं। अब गैस को कर देंगे बंद और इसको भी बड़ी सावधानी से निकालना है। ये देखिए ऐसे, और देखो मोमोज देखो अच्छे बने हैं। देखिए स्टीम हो चुके हैं, इनको प्लेट में लगाते हैं। ये सारे देखिए निकल आए हैं। तो मोमोज बन चुके हैं और आप लोग देखिए मोमोज हमारे कितने अच्छे बने हैं। और चटनी भी है, देखो कितना अच्छा कलर आया है। और आप इस तरीके से बनाओगे ना तो मोमोज बहुत टेस्टी बनेंगे और बिल्कुल बाजार स्टाइल में ही बनेंगे ये। चलो इधर बच्चे कर रहे हैं स्टार्ट मोमोज खाना और फिर ये लोग बताएंगे आपको कैसे बनी है। कैसे बनी है जय श्याम? अच्छे है। चटनी कैसी है? बहुत चटपटी। तो चलो मोमोज हो चुके हैं रेडी और हम भी अपने लिए लाते हैं। हाय गाइस, मैं हो चुकी हूँ काम से फ्री और आज मैंने मोमोज बनाए और चटनी भी आपके साथ में शेयर की। तो प्लीज़ आप लोग बताना कि मतलब मोमोज आपको कैसे लगे। और ये बिल्कुल सिंपल तरीका है मतलब, और बाकी में मोमोज बहुत टेस्टी बने थे, मतलब इतने अच्छे बने थे कि आप रोक नहीं पाओगे अपने आप को, उंगलियां चाटने पर भी मजबूर हो जाओगे, इतने अच्छे मोमोज लगे थे। और प्लीज़ आप ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में कि आपको मेरी मोमोज रेसिपी कैसी लगी। और इसी के साथ हमारे ब्लॉग का होता है एंड। और अगर आपको हमारा ब्लॉग पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और मेरी तरफ से सभी के लिए ढेर सारा प्यार और थैंक यू। और अब मिलेंगे अपन अगले ब्लॉग में।